देख रहे हैं आज तक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरें मालकानगिरी से, जहां पर भारत सरकार की अशोक स्तंभ प्रतिमा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत कार्यालय परिसर में जर्जर अवस्था में पड़ी है। विभागीय अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह नजारा हर साल की तरह मालकानगिरी जिले के गोरुकोंडा प्रखंड अनुमंडल में पंचायत कार्यालय का है, लेकिन विडंबना यह है कि 1955 में गोरुकोंडा प्रमुख मुख्यालय अनुमंडल में गोरुकोंडा पंचायत कार्यालय की स्थापना के बाद से ही कार्यालय परिसर में राष्ट्रमंडल दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व पंचायत अधिकारियों ने भारत सरकार के ध्वजारोहण स्तंभ पर अशोक की मूर्ति लगाई थी। किसी कारण से भारत सरकार के प्रतीक अशोक स्तंभ की कुछ मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। वह ठीक है, अशोक स्तंभ की मूर्ति क्षीर्ण अवस्था में है, जबकि ध्वजारोहण स्तंभ स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस घटना की स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों ने भारत सरकार के प्रति अशोक स्तंभ की मूर्ति के अंदर के संकेत के रूप में कड़ी निंदा की है। वही स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। इस संबंध में गोरुकोंडा पंचायत के कार्यपालक अधिकारी बीर राम भूरिया द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए कहा गया था, लेकिन अशोक स्तंभ की टूटी हुई मूर्ति को हटाने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस संबंध में गोरुकोंडा प्रखंड समूह विकास अधिकारी अनुशमान महापात्र से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रतिमा की मरम्मत के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर तत्काल इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे आज तक न्यूज 24 और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।